तो हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड हर्बल हेयर ऑयल जो कि मेरे मम्मी ने बनाया है। ये आपके हेयर फॉल को ट्रीट करेगा, डैंड्रफ होने से रोकेगा, प्रीमैच्योर जो ग्रेइंग हो जाते हैं ये उसे ख़त्म करने में हेल्प करेगा, आपके बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नारियल का तेल ले लेंगे, कोकोनट ऑयल जो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है, आपके हेयर में लस्टर प्रोवाइड करता है, शाइनी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और आपके स्प्लिट एंड को भी ख़त्म करता है। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे कलौंजी और मेथी दाना, वो आपके बालों को मज़बूत बनाने में हेल्प करेगा। उसमें फॉलिक एसिड होता है, विटामिन ए के सी होता है जो आपके हेयर फॉल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब इसमें हमने ऐड कर लिया है ऑनियन। आप सभी जानते हो कि आजकल ऑनियन हर हेयर ऑयल में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ऑनियन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, वो स्कैल्प के इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत ही हेल्प करता है, आपके बालों को नरिश करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सूखा आंवला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आंवला के बेनिफिट्स तो आप सभी को पता ही है कि वो बालों के लिए कितना हेल्पफुल होता है, वो बालों के हर प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इसमें कड़ी पत्ता का यूज़ कर रहे हैं। कड़ी पत्ता में बेटा कैरोटीन होता है, प्रोटीन होता है जो आपके बालों को हेल्दी बनाए रखता है और आपके बालों को हेयर लॉस से भी बचाता है। आप चाहे तो इसमें कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल के साथ, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा स्टिकी लगता है इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कैस्टर ऑयल भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तेल को आपको बॉईल करना है लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको गोल्डनिश कलर में दिखेगा। जब तेल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसे आप कोई भी ग्लास बॉटल में स्टोर करके रख लें और इसके रेगुलर यूज़ से, या अगर आप इसके हफ्ते में 3 बार भी यूज़ करोगे तो आपको इसके मैजिकल रिजल्ट दिखेंगे। आपको आपके हेयर फॉल में कंट्रोल दिखेगा, आपके डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएंगे, आपके बालों में शाइन आ जाएगा, लस्चरियस हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।